ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से त्रिशंकु की कथा सुनेंगे। कल हमने मानधाता की कथा सुनी थी और आज हम महाराज त्रिशंकु की कथा सुनेंगे। त्रिशंकु की कथा शायद आप सबने सुनी होगी और एक बार और हम इस कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। भक्तजनों, व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय से मानधाता को बिंदुमति से दो पुत्र प्राप्त हुए, एक का नाम पुरुकुत्स और दूसरे का नाम मुचुकुंद था। पुरुकुत्स से परम धार्मिक अरण्य का जन्म हुआ। अरण्य के पुत्र का नाम बृहदस्व था। बृहदस्व के पुत्र का नाम हरिवश्य पड़ा। हरिवश्य के पुत्र का नाम त्रिधनुआ पड़ा और त्रिधनुआ के अरुण नाम का पुत्र हुआ। अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था, जो अत्यंत लोभी, मूर्ख, कामी और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला हुआ। उसके अपराधों के कारण महर्षि वशिष्ठ जी ने उसको यह श्राप दिया कि पृथ्वी पर वे त्रिशंकु नाम से जाना जाएगा। इस तरह श्राप मिल जाने पर श्राप का प्रभाव कम करने के लिए सत्यव्रत ने कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। किसी एक मुनि के पुत्र ने उसे श्रेष्ठ मंत्र बता दिया। वह कल्याणमयी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करने लगा। वह अपने मन में सोचने लगा कि पिता ने मुझे त्याग दिया है तथा गुरु ने मुझे श्राप दे दिया है, इसलिए मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। ऐसा सोचकर उसने अपने लिए चिता तैयार की और भगवती जगदम्बा का स्मरण करके वह चिता पर बैठ गया। राजकुमार मरने के लिए तैयार हो गया है, यह जानकर भगवती जगदम्बा आकाश में प्रकट हुई और उसे कहने लगी, हे साधु, अग्नि को अपना शरीर मत समर्पित करो। मेरी कृपा से प्रेरित राजा तुम्हारे पिता अब तुमको अपना राज्य सौंप देंगे। जल्दी ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। कुछ समय के बाद यही हुआ। देवी जी की कृपा से महाराज अरुण त्रिशंकु को राज्य सौंप कर तपस्या के लिए वन में चले गए। कुछ दिनों बाद त्रिशंकु के मन में अपने पुत्र को युवराज बनाकर शरीर सशरीर स्वर्ग लोक में जाकर वहां का सुख भोगने की इच्छा पैदा हुई। इस कारण त्रिशंकु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और मुनि से बोले, देवलोक के लिए महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे सशरीर स्वर्ग लोक में भेज दीजिए। वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु जी को बहुत समझाया। बोले, हे राजन, मनुष्य शरीर के साथ स्वर्ग में स्थान पाना अत्यंत असंभव है। इस शरीर के अंत होने पर ही तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु का मन शुभ्ध हो गया, यानी कि क्रोध आ गया उनको। और वशिष्ठ जी की बात सुनकर राजा त्रिशंकु बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप यदि अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसी दूसरे मुनि को पुरोहित बनाकर यज्ञ संपन्न कराऊंगा। त्रिशंकु का यह वाक्य सुनकर
मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि तू अभी चंडाल बन जा। गुरुदेव वशिष्ठ जी के मुख से यह वचन निकलते ही त्रिशंकु शरीर से तुरंत चंडाल हो गया। राजा त्रिशंकु की दशा बड़ी दयनीय हो गई, वह राज्य को न लौट कर वहीं से जंगल में चला गया। त्रिशंकु के पुत्र श्री हरिश्चंद्र को राजा बना दिया गया। व्यास जी ने बताया, त्रिशंकु अपने पुत्र के राज्याभिषेक से बड़े प्रसन्न हो गए। कल्याणकारी जगदम्बा का ध्यान करते हुए त्रिशंकु अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि विश्वामित्र तपस्या को पूरी करके अपने घर पर अपने स्त्री बच्चों को देखने के लिए वहां पधारे। उनकी पत्नी ने कहा, मुनिवर आपके चले जाने के बाद उस घोर अकाल में मैंने परम दुखदायी समय व्यतीत किया। राज ऋषि सत्यव्रत ने मेरे बच्चों के भरण पोषण का भार उठाया। मेरे ही कारण वशिष्ठ जी ने उस राजा सत्यव्रत को श्राप दिया। उन ऋषि ने कुपित होकर राजा सत्यव्रत का नाम बदलकर त्रिशंकु रख दिया और चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया। उस राजकुमार के दुखी होने के कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि विपत्ति के समय उसने हमारा बहुत ही सहयोग किया। विश्वामित्र जी अपनी पत्नी से बोले, कमल नयनी तुम धैर्य धारण करो, जिसने घोर अकाल के समय रक्षा करके तुम्हारा परम उपकार किया है उस नरेश को मैं श्राप से अवश्य मुक्त करूंगा। महान तपस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र से उपार्जित अपना समस्त पुण्य संकल्प के द्वारा राजा को समर्पित कर दिया। यानी कि उन्होंने जो भी तपस्या से फल प्राप्त हुआ था वह सब राजा को दे दिया। पुण्य को राजा को देने के पश्चात वे राजा त्रिशंकु से बोले, अब तुम सावधानी पूर्वक स्वर्ग में शरीर सहित जा सकते हो। तपस्या के पुण्य प्रभाव से राजा त्रिशंकु उसी समय बड़े वेग से ऊपर उड़े। उस समय राजा त्रिशंकु अत्यंत क्रूर एवं चांडाल के वेश में थे। इंद्रलोक में राजा के पहुंचने पर इंद्र की उन पर दृष्टि पड़ी। उसे इंद्र ने फटकार लगाई और बोले, अरे घोर निंदनीय चांडाल, तू देवलोक में कैसे आ गया, अभी पृथ्वी पर चला जा। इंद्र ने इतना कहते ही वह स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर खिसकने लगे। राजा त्रिशंकु अब जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज मुनिवर विश्वामित्र जी ने सुनी और उन्होंने दृष्टि से ऊपर आकाश की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि राजा त्रिशंकु पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। मुनिवर ने उनसे कहा, रुको। मुनि के इतना कहते ही मुनि की तपस्या के बल से वे आधे रास्ते में ही रुक गए, इसलिए उनका नाम एक और बार त्रिशंकु हो गया। इसके पश्चात एक दूसरे राजा ने, यानी कि विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक दूसरे स्वर्ग लोक की सृष्टि कर देता हूँ। दूसरे स्वर्ग लोक की सृष्टि करने के लिए उन्होंने हाथ में जल लेकर आचमन किया। मुनिवर विश्वामित्र जी के इस प्रयत्न को देखकर इंद्र तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मुनिवर दूसरे स्वर्ग लोक की सृष्टि करने से कोई कार्य सधने वाला नहीं है, बताइए मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। विश्वामित्र बोले, त्रिशंकु को स्वर्ग में मैंने भेजा था, उसे आपने नीचे गिरा दिया, अब आप प्रेम पूर्वक अपने साथ उसे ले जाइए। देवराज इंद्र ने उसी समय त्रिशंकु को दिव्य शरीर धारी बना दिया और उत्तम वायुयान में बिठाया तथा अमरावती के लिए उसे भेज दिया। त्रिशंकु के पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जो इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुए।
भक्त जनों, अब इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री दुर्गायै नमः।